मेरी सभी प्यारी सखियों को प्रेरणा का प्यार भरा नमस्कार। मेरी प्यारी सखियों, आप जो कहानियाँ सुन रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना? आपको अच्छा लगता है, मुझे सुनाने में अच्छा लगता है, हमारे परिवार को सुनने में अच्छा लगता है, इसीलिए तो ये कहानियाँ मैं आपको सुना रही हूँ। आज फिर से एक बार एक नई कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। कहानी का नाम है तीन चोर। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका तीन चोर रहते थे। तीनों को ही थोड़ी थोड़ी विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत ही घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियां को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों के नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डाका डाला और सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हो गई और उन तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश जारी की गई। मगर तीनों चोर नजदीक के ही एक घने जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी है। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां है, मैं सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान पर जोड़ सकता हूँ। घीसा नामक दूसरे चोर को भी विद्या का बहुत घमंड था। वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां है तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर तीसरा चोर राका का भी घमंड उबल आया और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ ही देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हुबेहुब जान डाल दी। थोड़ी ही देर में तीनों चोर सामने एक भयानक जीवित शेर को देखकर थरथर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक भी दाना नहीं था, वो बहुत भूखा था। भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोर पर हमला कर बैठा और वो तीनों चोरों को खा गया और फिर वो शेर मस्त होकर घने जंगल में चल पड़ा। तो मेरी सहेलियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोना पड़ता। तो मेरी प्यारी सखियों, समझ गई ना आप कि आज की कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हर बार हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए तो हमने गर्ल स्टोरी टेलिंग कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे आप सभी के साथ जोड़ने के लिए मैं आरती नाइक चेंज मेकर इनकी बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद।